क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक ऐसा कॉन्टेस्ट होता है जिसमें जीतने वाले को कोई पैसे वैसे नहीं बल्कि बियर दी जाती है। जी हाँ, बियर। सो हे गाइस, मेरा नाम है चेतन जोशी, स्वागत है आपका नॉलेज सोर्स की एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कमाल के रैंडम फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने ये तो सुना ही होगा कि इसकी काली आंखें हैं, इसकी नीली आंखें हैं या फिर भूरी आंखें हैं, लेकिन एक अनकॉमन कंडीशन होती है जिसे हेटरोक्रोमिया कहते हैं। हेटरोक्रोमिया, इसमें होता क्या है कि इंसान की दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो जाता है, जैसे कि एक का काला तो दूसरी का भूरा, एक का भूरा तो दूसरी का नीला, ऐसे ही। और ये अनकॉमन कंडीशन बाय बर्थ से होती है, यानी कि जब से इंसान पैदा हुआ है तभी से। हालांकि इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होता उस इंसान पे, लेकिन अगर कोई और उसको देखेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा दिखने में, एक में काला दूसरी में नीला, तो इसीलिए। फैक्ट नंबर 5, आपने कभी ना कभी तो एटीएम मशीन का यूज़ किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम मशीन जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाई थी, जो कि खुद एक इंडियन थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जॉन शेफर्ड बैरन एक इंडियन थे जो कि इंडिया के शिलोंग पैदा हुए थे। और जब इन्होंने एटीएम मशीन बनाई थी तो उसका पिन 4 डिजिट का नहीं बल्कि 6 डिजिट का था, लेकिन जो उनकी वाइफ थी उन्हें 6 डिजिट का पिन याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, और इसी कारण से जॉन शेफर्ड बैरन ने उस पिन को 4 डिजिट का कर दिया। और आज आप इसलिए एटीएम में 6 डिजिट का नहीं बल्कि 4 डिजिट का पिन यूज़ करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। फैक्ट नंबर 4, एरोप्लेन में जो खाना मिलता है उतना टेस्टी नहीं होता, क्या आपको पता है क्यों? अब आप बोलोगे कि शायद वो उतना फ्रेश नहीं होता या फिर ढंग से बनाया नहीं गया होता। वेल, मैं बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में होता क्या है कि जो प्लेन है वो उतनी ऊंचाई में उड़ रहा होता है कि उस टाइम पे हमारी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट कम हो जाती है, लगभग 20 से 50% तक, और इसी कारण से हमें वो खाना उतना टेस्टी नहीं लग रहा होता। अब चलिए, एरोप्लेन की बात आ ही गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनने प्लेन में ट्रैवल किया है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जेसीबी का प्राइस कितना है? 4 लाख, 6 लाख या 8 लाख? वेल, जो सबसे महंगा मॉडल होता है जेसीबी का वो ये है, जेसीबी 430ZX। इसका प्राइस है 36,54,000, वेरी कॉस्टली। और भी कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि जेसीबी 170, इसका प्राइस है 10,10,000, और जेसीबी 2DX, इसका प्राइस है 14,64,500, जेसीबी 30+, इसका प्राइस है 8 लाख। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा महंगे होते हैं जेसीबी। फैक्ट नंबर 2, लेजेंडरी एक्टर चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम। इनकी कॉमेडी टाइमिंग का तो हर कोई फ़ैन है, लेकिन एक बार उन्होंने बहुत ही कमाल की चीज़ की थी, वो ये थी कि सन 1931 में इनकी फिल्म आई थी जिसका नाम था सिटी लाइट्स। तो फैक्ट ये है कि इस फिल्म के एक छोटे से सीन के लिए इन्होंने 332 बार रीटेक्स दिए थे। कैन यू इमेजिन गाइस, 332 रीटेक्स, वो भी सिर्फ एक सीन के लिए। और ये अपने आप में ये रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि आज तक किसी एक्टर ने किसी सीन के लिए 332 बार रिटेक्स नहीं दिए। तो दोस्तों, आप सोच ही सकते हो कि चार्ली चैपलिन अपना काम कितना परफेक्शन के साथ करते थे, इसीलिए उन्हें वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम कहा गया। फैक्ट नंबर 1, फिनलैंड में कॉन्टेस्ट होता है जिसे इक्वान कांटो कहते हैं। बेसिकली इस कॉन्टेस्ट में होता क्या है कि जितने भी हस्बैंड्स होते हैं उनको अपनी वाइफ को कैरी करके रास्ते में आने वाली सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए फिनिशिंग लाइन तक पहुँचना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि इसमें जो विनर होता है उसको कोई पैसे वैसे या फिर कोई ट्रॉफी नहीं दी जाती, बल्कि दी जाती है एक बियर उसकी वाइफ की वेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए कि उसकी वाइफ का वेट है 60 kg, तो उसको 60 kg बियर दी जाएगी, और अगर उसकी वाइफ का वेट है 50 kg तो उसको 50 kg बियर दी जाएगी, यानी कि जितना भी उसका वाइफ का वेट है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बियर दी जाएगी। हाँ, सुनने में थोड़ी अजीब लगता है कि प्राइस में कोई पैसे वैसे नहीं बल्कि बियर दी जा रही है, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उस पर लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आप उन्हें मिस ना करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।